अब हम डिस्कस करते हैं ओस्मियम सेंटम, मतलब तुलसी। लेमिएसी फैमिली में स्पेसिफिक एग्जांपल की बात करें तो तुलसी एक स्पेसिफिक एग्जांपल है किसका, लेमिएसी फैमिली का। ठीक है, अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट कैसे टाइप का हो जाएगा, या तो पेरिनल हब्स टाइप में प्रेजेंट हो सकता है, या फिर कुछ प्लांट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कि किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, श्रब्स फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा सबसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये एरोमेटिक होते हैं, वोलेटाइल ऑयल रिलीज करते हैं और वोलेटाइल ग्लैंड को रिलीज करते हैं। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये, अबोधी एपिडर्मिस प्रेजेंट होते हैं। स्टैम की बात करें तो स्टैम कैसी टाइप की होती है, हर्बेशियस होती है, एरियल होती है, इरेक्ट होती है, या फिर सम टाइम क्या होती है, ब्रांच फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ऑलमोस्ट सारी की सारी स्टैम्स कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है। अगर हम लीफ की बात करें तो लीफ कैसे टाइप की होती है, अपोजिट टाइप की होती है, या फिर उसके बाद क्या होता है, डेकिसुएट। डेकिसुएट का मतलब होता है कि ईजिली क्या हो जाते हैं कि जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी या फिर जैसे ही विंटर आएगा तो वो क्या होती है, शेड ऑफ हो जाएगी। ठीक है, पेटियोलेट। पेटियोलेट का मतलब क्या हो जाएगा कि पेटियोल मतलब कि जो स्टोक वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, सिंपल होती है। एक्सट्यूपलेट, एक्सट्यूपलेट का मतलब क्या होता है कि जो स्टिपल्स होंगी वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा जो शेप होती है वो कैसी टाइप की होती है, ओविड टाइप की होती है। ओविड भी बोल सकते हैं हम, लेंसुलेट टाइप की शेप भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कैसी होती है, अगर हम वेनिएशन की बात करें तो कैसी टाइप की वेनिएशन प्रेजेंट होती है, यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट टाइप की वेनिएशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, देखो ये स्टैम्स कैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल लेंस टाइप शेप की दिख रहे हैं या फिर ओविड शेप की दिख रही है। ठीक है, अगर हम उसके बाद लीफ की बात करें तो वो कैसी टाइप की दिख रही है, ओवेट शेप की दिख रही है। ग्लैंड की बात करें तो डॉटेड टाइप की ग्लैंड प्रेजेंट होती है, वो क्या रिलीज करेगी, वोलेटाइल ऑयल या फिर वोलेटाइल कंपाउंड रिलीज करेगी। ठीक है, वैसे किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एरोमेटिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जो किसको अट्रैक्ट करते हैं, पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। ये देखो आप लोगों को हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, छोटे छोटे हेयर दिख रहे हैं, ये भी क्या है, ये भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी है, तुलसी फैमिली की। यहाँ इनके पास क्या होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस कैसी टाइप की होती है, स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होते हैं। उन स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या कहते हैं, वर्टिसिलास्टर कहते हैं। ठीक है, वर्टिसिलास्टर किस में प्रेजेंट होती है, तुलसी फैमिली में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम फ्लावर की बात करें तो पर्पल कलर के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, बाइलेबिएट फॉर्म में हो जाएंगे फ्लावर। यहाँ तक समझ में आ गया इन्फ्लोरेसेंस बताऊं, इन्फ्लोरेसेंस वर्टिसिलास्टर टाइप की होती है। वर्टिसिलास्टर टाइप क्या होता है, अभी हमने सिर्फ तीन ही स्पेशल टाइप की इन्फ्लोरेसेंस पढ़ी थी। तुलसी फैमिली के अंदर कौन सी टाइप की हो गई, वर्टिसिलास्टर टाइप की हो गई। यू4बीसी में क्या हो गया, साइथियम टाइप की इन्फ्लोरेसेंस होगी, जिसमें क्या होता है कि जो एक एक फीमेल पार्ट किसको सराउंड करते हैं, बहुत सारे मेल पार्ट को सराउंड करती है। इसके अलावा हमने एक और इन्फ्लोरेसेंस पढ़ी थी, कौन सी थी, हाइपरथोडियम टाइप की थी। ठीक है, जिसमें फ्लाई ट्रैपर्स टाइप का क्या एग्जांपल था उसका, वेनस फ्लाई ट्रैपर्स ऐसे कुछ था ना एग्जाम्पल, उसमें पढ़ी थी। ठीक है, तो ये सारी टाइप की इन्फ्लोरेसेंस पढ़ी थी हमने। तो जो स्पेशल टाइप की इन्फ्लोरेसेंस है तुलसी में वो कौन सी होती है, वर्टिसिलास्टर टाइप की होती है। बस इसमें क्या होता है कि बाइलेबिएट टाइप के लिप्स की फॉर्मेशन होती है। वो लिप्स क्या करते हैं, डिपेंड करता है कि 1/4 बन रहे हैं या 1/3 बन रहे हैं या फिर 2/3 बन रहे हैं, तो वो क्या है, ये स्पेशल टाइप है। ठीक है, उसके अलावा सबसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इनके पास एक टाइप का वोलेटाइल ऑयल या ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करती है, एक तो अट्रैक्ट करती है पोलिनेटर्स को और एक क्या करती है कि सिक्रेट करती है। वो ऑयल जैसे ही सिक्रेट होएगा तो वो क्या करेगा कि अट्रैक्ट करेगा, जैसे कि हम लेवेंडर का परफ्यूम यूज़ करते हैं या फिर मिंट को यूज़ करते हैं एज ए चटनी पर्पज़ के लिए, तो वो क्या करता है कि क्या करता है, जो उसकी स्मेल होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक होती है, जो कि क्या करती है, एक तो पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करती है, दूसरा क्या करती है कि जो जो जैसे कि अगर हम फूड पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या करेगी, हमारे जो फूड की होगी उसकी वो क्वालिटी होगी, उसको क्या कर देगी, इंक्रीज़ कर देगी। ठीक है, अगर हम कैलेक्स की बात करें तो कैलेक्स का नंबर कितना होता है, जैसे सेपल्स का नंबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सारी की सारी किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अब मैं आप लोगों को एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ बार बार, बाइलेबेट। ठीक है, तो ये देखो ये ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अगर हम सिर्फ एक सिंगल कैलेक्स का या कोरोला का स्ट्रक्चर देखें तो ये ऐसी बाइलिप्ट की फॉर्मेशन होती है। देखो ये दो नीचे वाले दो लिप्ट दिख रहे हैं, ये देखो ये डायग्राम देखो, इसमें जो ये अरेंजमेंट दिख रही है ए बी सी डी की, बताओ ए बी सी डी की अरेंजमेंट दिख रही है।
जो सी है और जो डी है ये बिल्कुल लोअर लिप्स हैं, ठीक है, मतलब लोअर लिप। और जो ए है और जो बी है ये क्या है कि देखो जो ये बी है ये तो क्या बना रखा है, ये बी क्या है हमारा, ये अपर लिप्स है, और जो ये सी और डी है ये लोअर लिप्स है, और जो ए है वो क्या है, एक ट्यूब लाइक फॉर्मेशन है। अभी तक मैं क्या कह रही थी कि एक फनल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, वो ऐसे बनता है। और ये स्पेसिफिक एक आप लोगों को बिल्कुल मतलब कि स्पेसिफिक एक सिर्फ कैलक्स या कोरोला का स्ट्रक्चर दिखा रखा है मैंने, जो कि क्या दिखा रहा है कि कैसे बाई लिप्ड की फॉर्मेशन हो रही है, कैसे दो लिप बन रहे हैं, अपर और लोअर लिप्स कैसे बन रहे हैं, कैसे ये 1/4 या फिर 2/3 की अरेंजमेंट शो करता है, ठीक है। तो ये डायग्राम से देखना अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर हम एंडोशियम की बात करते हैं तो जो एंडोशियम होता है उसमें जो स्टैमन का नंबर होता है वो कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। सारे के सारे किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हमने जब जनरल करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ रहे थे, जो स्टैमन का नंबर था या तो 2/4 की अरेंजमेंट थी, लेकिन जो सारे के सारे किस फॉर्म में प्रेजेंट थे, फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट थे। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक बात करें सिर्फ तुलसी फैमिली की तो उसके अंदर कैसी अरेंजमेंट होती है, ये स्टैमन का नंबर 4 होता है, लेकिन सारे के सारे किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एपिपेटलस कंडीशन क्या होती है, अटैचमेंट होंगे, तो इनके पास भी क्या होता है, एपिपेटलस कंडीशन होती है, ठीक है। डायडायनेमस का मतलब क्या होता है कि दो लॉन्ग स्टैमन प्रेजेंट होंगे, दो शॉर्ट स्टैमन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और जो फिफ्थ पोस्टीरियर स्टैमन होगा वो क्या होगा, अब्सेंट होगा, ठीक है। इसलिए क्या बता दिया, डायडायनेमस कंडीशन बता दी। अगर हम बात करते हैं उसके अलावा एंडोशियम की बात करें तो एंडोशियम कैसे होते हैं कि बायथिकस टाइप के होते हैं या फिर कैसे होते हैं, डोर्सीफिक्स टाइप के होते हैं। गाइनोशियम की बात करें तो गाइनोशियम कैसे होते हैं, वो भी बाइकार्पल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बाइकार्पल का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट होंगे। सारे के सारे किस फॉर्म में प्रेजेंट है, सिनकार्पस फॉर्म में होता है, ठीक है। सिनकार्पस के बाद अगर हम उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो इनके पास भी फाल सेप्टम की फॉर्मेशन होती है। जैसे ब्रैसिकेसी फैमिली में फॉल सेप्टम की फॉर्मेशन होती है, ऐसे ही क्या होता है कि जो गाइनोशियम होता है इनके पास भी क्या होता है कि फॉल सेप्टम की फॉर्मेशन होती है। प्लेसेंटेशन की बात करें तो एक्साइल टाइप की प्लेसेंटेशन हो जाएगी। ओवरी की बात करें तो सुपीरियर टाइप की ओवरी होती है, सुपीरियर मतलब हाइपोगाइनस टाइप की ओवरी प्रेजेंट होती है। जो मेन ओवरी हो जाएगी वो थैलेमस से अराइज होगी, और जो अदर पार्ट होंगे वो कहाँ से अराइज होंगे, बिलो द ओवरी अराइज होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम फ्लावर फॉर्मले की बात करते हैं तो फ्लावर फॉर्मले में क्या हो जाएगा, सबसे पहले ब्रैक्टीट प्रेजेंट होगा, एक्टिनोमोर्फिक होगा। एक्टिनोमोर्फिक का मतलब क्या हो जाएगा कि इसके अंदर जाइगोमोर्फिक टाइप का होगा। जाइगोमोर्फिक का मतलब क्या हो जाएगा कि जो कैसे होगा, बाइलेटरल टाइप की इनकी सिमेट्री होगी, टू इक्वल हाफ्स में कट हो जाएगा फ्लावर। इसके अलावा अगर हम बात करें सिंपल फॉर्म में अगर हम बताएं तो वर्टिकल प्लेन में क्या होता है कि जो फ्लावर को कट किया जाएगा वो टू इक्वल हाफ में कट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि बाइसेक्सुअल टाइप का फ्लावर होता है, कंप्लीट होता है, मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। कैलेक्स की बात करें तो आप देखो यहाँ पे स्पेसिफिक अगर हम तुलसी का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं तो हम उसमें तुलसी के अंदर देखेंगे किस किस टाइप के बाइलेबिएट लिप्स की फॉर्मेशन हो रही है, तो वो किस टाइप के हैं। कैलेक्स का नंबर 1/4, 1/4 का मतलब क्या है कि जो कैलेक्स होगा उसका सिर्फ हाफ ही पार्ट यूज हो रहा है, मतलब कि जैसे या तो वो अपर फॉर्म हो सकते हैं या तो वो लोअर फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। डायग्राम में मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। अगर हम करोला की बात करते हैं तो करोला के अंदर ये अरेंजमेंट जस्ट इसके अपोजिट हो जाते हैं। कैलेक्स में जितनी अरेंजमेंट होगी उससे अपोजिट किस में हो जाएगी, करोला के अंदर हो जाएगी। उसके अंदर कैसी होती है, 4/1 की अरेंजमेंट होती है, वो भी सारी की सारी किस्मों में प्रेजेंट होती है, फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट होती है। एंडोशियम की बात करें तो एंडोशियम का नंबर क्या होता है कि 2+2 की अरेंजमेंट होती है। 2+2 का मतलब क्या होगा कि दो रोल्स के अंदर प्रेजेंट है, फर्स्ट रोल के अंदर दो स्टैमन प्रेजेंट होंगे, सेकंड रोल के अंदर भी क्या होंगे, दो स्टैमन प्रेजेंट होंगे। आर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एपिपेटलस कंडीशन को। एपिपेटलस कंडीशन का मतलब क्या होगा कि जो पेटल्स होंगे वो किसके साथ कनेक्शन में होंगे, एंड्रोशियम के साथ, ठीक है। गाइनोशियम कैसे होते हैं, गाइनोशियम का नंबर भी क्या होता है, बाइकार्पल फॉर्म में होती है, सुपीरियर टाइप की ओवरी होती है, और वो भी क्या होते हैं, सिनकार्पस फॉर्म में होते हैं, फ्यूज टाइप के होते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को डायग्राम दिखाती हूँ। फ्लोरा डायग्राम दिख रहा है, बताओ फ्लोरा डायग्राम देखो पीडीएफ में। सबसे पहले मदर एक्सिस शो हो रही है, मदर एक्सिस के बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ब्रैक्ट प्रेजेंट होती है, तो नीचे आप लोगों को क्या शो हो रही है, ब्रैक्ट शो हो रही है, ठीक है। इसके अलावा नीचे क्या शो हो रही है, ब्रैक्ट शो हो रही है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि कैलेक्स की बात करते हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, कैलेक्स का नंबर कितना होता है, 1/4 नंबर प्रेजेंट होता है। कैलेक्स का नंबर कितना होता है, 1/4 होता है, तो 1/4 कैसे अरेंजमेंट शो कर रखे है, ये देखो ये ऊपर ये कैलेक्स शो हो रही है डार्क कलर से ऊपर वाली आउटर साइड वाली, yes, तो इनका नंबर कितना हो जाएगा, 1/4। 1/4 का मतलब, और जो ये
छोटा सा आर्क दिखा रखी है हर एक कैलेक्स से जो अटैचमेंट की, वो यही दिखा रखी है कि जो अपर और जो लोअर लिप्स बनते हैं ना वो इसी अरेंजमेंट को शो कर रखा है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा है ना, बस जब तुलसी का डायग्राम लर्न करो ना तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि 1/4 का मतलब क्या है, कि जो ये चारों अरेंजमेंट होगी वो ऐसे शो होगी कि एक दूसरे से कनेक्शन शो करेंगे, मतलब वो लिप्स की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ऐसे ही क्या है कि जो करोला है उसकी पोजीशन भी कितनी है, 1/4 है, उसकी कंडीशन भी कैसी है, 4/1 है, वो भी सारी की सारी क्या है, फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर हम एंडोशियम की बात करें तो एंडोशियम भी कैसे अरेंजमेंट शो कर रहे हैं, 2+2 के अरेंजमेंट शो कर रहे हैं। देखो दो स्टैमेन आप लोगों को बिल्कुल एक रोल में दिख रहे होंगे, दो स्टैमेन किस रोल, एक रोल में दिख रहे होंगे, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं कि फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं लेकिन अलग अलग पोजिशन पे प्रेजेंट होते हैं।